करोना महामारी कब तक चलेगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार, आजाद कोचिंग सेंटर। इस कोरोना महामारी में रुके हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा में है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, आप सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण में ए बी सी। अब हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का कर्ण ए सी। सामने है ए सी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा हुआ ए बी और बी सी। अन्य दो भुजाओं का वर्ग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही कहता है सिद्ध करने के लिए कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक में लिखेंगे समकोण त्रिभुज में चलेंगे। अब साधारण प्रतिज्ञा हो गया, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में जो ग्राफ बना हुआ है, जो फिगर बना हुआ, उसी को देख करके लिखना है। तो फिगर है माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। तथा AC कर्ण है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबसे पहले इस साधारण प्रतिज्ञा हो गया। विशेष प्रतिज्ञा के बाद अब चलेंगे रचना में समकोण कोण B से AC पर एक लंब डालेंगे। इस प्रकार से एक लंब डालेंगे जिसका नाम दे देंगे D। तब हम लिखेंगे रचना में B से BD लंब AC पर डाला। लिखेंगे B से BD लंब AC पर डाला। ये हो गया रचना। अब इसके बाद आता है सबूत। सबूत तो में देखिएगा, सबसे पहले का मैं देखिएगा तीन गो त्रिभुज हो गया ABC, ABB, BBC। ये तीन त्रिभुज हो गया। तो सबूत में सबसे पहले चलेंगे पहले दो त्रिभुज में, एक बार बड़का त्रिभुज में और एक बार एक ननका त्रिभुज में, ABC में और एक बार ADB में। और इसके बाद फिर दोबारा चलेंगे ABC में फिर BDC में। ये दो बार करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD।
अब इसमें देखिएगा कि इसका कोण भी ए बी सी, ये कोण बी समकोण है और ए डी बी ये भी यहाँ समकोण है, दोनों बराबर डिग्री का कोण बना रहा। चलेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, चूंकि दोनों जगह इसका भी 90 डिग्री कोण और इसका भी 90 डिग्री का कोण बन रहा 90 डिग्री। अब एक कोण हो गया, अब इसके बाद चलेंगे देखना है दूसरा कि कोण ए बी सी में कोण ए आ रहा और फिर कोण ए डी बी में भी कोण ए आ रहा, तो दोनों में कोण कर देंगे कोण ए बी ए डी बराबर कोण डी ए, चूंकि ये दोनों कोण उभयनिष्ठ अब यहां जिस दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाता है वह समकोणी कहलाता है, वह क्या कहलाता है तो समकोणी कहलाता है। लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी समकोणी, और जब समकोणी कोई त्रिभुज हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जब कोई भी दो त्रिभुज समकोणिक होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो समानुपाती बातेंगे देखिएगा ए बी बटा ए सी क्या इसका आ जाएगा ए बी बटा ए सी। अब इसका हमें चलेंगे छोटका त्रिभुज में था ए बी बटा ए बी, क्योंकि इसका कर्ण सामने वाला कर्ण हो जाता है। सबसे पहले चलेंगे ए बी बटा ए सी बराबर छोटका त्रिभुज में चलेंगे देखा आ जाएगा ए डी, ए डी बटा इसका कर्ण इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा ए बी ए बी। अब देखिएगा तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ दिखा दीजिएगा थोड़ा सा ए बी, ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर और ए में ए सी में ए डी से गुना करेंगे तो ए सी गुने ए डी समीकरण। अब पुनः फिर जितना इसको किए अब फिर चल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज बी डी सी में, तो उतना ना करना चाहते हैं तो हम दिख जाएंगे जिस प्रकार से ये समकोणिक हुआ है त्रिभुज उसी प्रकार से ये बड़का ए बी सी और बी डी सी ये भी समकोणिक हो जाएंगे। हम वहाँ लिख इस बात पूरा ना बना करके हम लिख भी सकते हैं कि इस प्रकार से इसी प्रकार से इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी समकोणिक समकोणिक, जब समकोणिक त्रिभुज हो जाएगा तो इसकी भी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होगी। फिर इसमें चल सकते हैं अभी एक नाम ले लेते अभी आधार बचा बी सी बटा ए सी। अब इसमें चलेंगे त्रिभुज में सारी बात क्या पहुंचे लम बराबर बी सी बटा अब इसके सामने वाला का इसका भी तिरछा तिरछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी में बी सी से गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी में ए डी से गुना करेंगे तो ए सी गुने डी सी। ये हो गया समीकरण दो। अब हम कुछ नहीं करना है, समीकरण एक और दो जब आ जाए तो हमको चलना है कि समीकरण एक और दो के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत माने बराबर की पट्टी और ये पट्टी, बराबर की पट्टी और ये पट्टी, तो संगत पक्षों को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण एक और दो के संगत पक्षों को जोड़ने। अब बच्चों उपरेला तो उतार लिए होंगे तो सबसे पहले आप उपरे लिख देते हैं डिवीजन को, इसको साफ कर देते हैं। समीकरण एक और दो, समीकरण एक में देखिएगा ए बी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर प्लस संगत पक्ष में इधर है बी सी स्क्वायर बराबर, अभी इधर देखिएगा संगत पक्ष में क्या है ए सी, ए सी गुने ए डी बराबर, अभी इधर देखिएगा इसमें क्या है गुने, सॉरी गुने इसमें गुना का चिन्ह है इनटू सॉरी योग, पक्षों को जोड़ने पर ना है तो प्लस का चिन्ह जोड़ देते हैं, एक हम देखिएगा ए सी गुने डी सी, अब ध्यान दीजिएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ ए सी और ए सी दोनों में मिल रहा है तो हम जानते हैं या आप लोग सभी को जानता है कि जो दोनों मिलता है उसमें से कॉमन लिया जाता है, इसमें भी ए सी है और इसमें भी ए सी है तो दोनों में से एगो ए सी का करेंगे निकाल लेंगे तो कॉमन निकाल लिए, इसका में से ए सी निकाल गया तो यहाँ कुछ बचा ए डी, ए डी प्लस इसमें क्या बचा डी सी क्योंकि ए सी बाहर ले लिए, अब बाहर ले लिया बच गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ए सी अब यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है कोष्ट यहाँ पर रहता है ए डी ए डी ओके है डी सी डी सी, अरे पूरा को हम करेंगे तो क्या लिख देंगे ए सी, तो पूरा को दोनों को जोड़ के देख रहा है ए डी और ए डी यहाँ से यहाँ है फिर यहाँ से पूरा करेंगे तो पूरा हो जाए जिसका नाम हमको अच्छे हो जाएगा ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, में ए सी से पूरा करेंगे तो ए सी स्क्वायर, अब देखो देखना है हमको शुरुआत में ही ये वाला करना था ए सी स्क्वायर, इसको फिर हम सुधार करके ले देंगे सीधा कर देंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको सीध करना था सीध है यही है ठीक है बच्चों, अगर समझ में आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारा पढ़ाया हुआ है से ठीक है, अगर कोई त्रुटि रह जाएगी तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं उसमें हम सुधार करने की कोशिश करें, समझ में आया।